तो तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी और उनका मंत्रिमंडल पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आने लगा है। बहुप्रतीक्षित योजनाएं और वो योजनाएं जो कि लोकसभा चुनाव के चलते ठंडे बस्ते में हो गई थी, उन योजनाओं पर दोबारा से काम शुरू हो चुका है, अमली जामा पहनाना शुरू हो चुका है। खासतौर से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछली जो गलतियां रही है लोकसभा चुनाव में, जिस तरह का मैंडेट कम हुआ है अपेक्षाकृत, उसको भी ध्यान में रखते हुए अब योजनाओं को अमलीजामा पहनाने की ओर बढ़ रहे हैं। उधर विपक्ष इस बार मजबूत है और विपक्ष पूरी रणनीति के साथ इस बार मैदान में डटे रहने को है। सबसे बड़ी बात, विपक्ष की ओर से नेता ये कह रहे हैं कि इस बार मनमनी नहीं चलने दी जाएगी, न तो सदन के बाहर और न सदन के भीतर। और जिस तरह की पहले 10 सालों में जो तस्वीर सदन के भीतर देखने को मिली थी, वो अब पूरी तरह से बदली हुई नजर आएगी, क्योंकि 234 सीटों के साथ विपक्ष पूरी मजबूती से मैदान में रहेगा और तमाम जो फैसले सरकार लेगी उन पर लगाम भी कसेगा। कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसी को सदन के भीतर नियंत्रित करने की जो व्यवस्था है दूसरी, उसको ही विपक्ष कहा जाता है। और विपक्ष में एक और भूमिका होती है नेता प्रतिपक्ष। 10 साल से नेता प्रतिपक्ष को लेकर कहीं ना कहीं संशय था। नेता प्रतिपक्ष की जगह 10 साल से खाली थी और सत्ता पक्ष यह कहकर कोई भी विपक्ष से की ओर से नेता प्रतिपक्ष नहीं बना रहा था कि कुल जो सीटें हैं उनका 10% सीटें जीतने वाले दल को ही नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकेगा, दल के नेता को ही। लेकिन जिस तरह 2014 में 44 सीटों पर ही कांग्रेस सिमट गई थी, फिर 2019 में 52 सीटों पर ही सिमट गई थी, जबकि होनी चाहिए 55 सीटें, ऐसा कहकर उन्हें नेता प्रतिपक्ष की सीट नहीं दी गई। इसी तरह डिप्टी जो स्पीकर है उसकी का पद भी रिक्त रहा, लेकिन इस बार तस्वीर अलग रहेगी। तमाम जो कांग्रेसी नेता है, विपक्ष के नेता, वो कह रहे हैं कि इस बार मनमानी बिल्कुल नहीं चलने दी जाएगी। सबसे पहला सवाल जितेंद्र श्रीमाली जी से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, मोदी 3.0 जो टारगेट था आपका, एक टारगेट तो अचीव हो गया, 400 पार नहीं आई, कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए, कुछ चीज़ों को अंडर एस्टिमेट किया आपने, और अब किस तरह से लेंगे जो तमाम योजना हैं, जो विचार वैचारिक जो रणनीति रही है बीजेपी की, जिनके आगे बड़ी बड़ी योजनाओं को की ओर आगे बढ़ने का संकल्प लिए। विष्णु कोलवाल जी, आपसे पूछता हूँ, कितनी बड़ी चुनौतियां रहेंगी इस बार सदन में, क्योंकि 10 साल से तो नेता प्रतिपक्ष नहीं था, कई योजनाएं किसानों के जो बिल हैं, हालांकि बाद में बैकफुट पर आई जो बीजेपी, लेकिन फिर भी मनमाने तरीके से कुछ चीज़ों पर, जिस तरह विपक्ष कथित तौर पर आरोप लगाता रहा है कि मनमाने तौर पर बिलों को पास कर दिया जाता था, 150 जो सांसद हैं उनको सदन के बाहर मार्शल की मदद से बाहर करवा दिया जाता था, इस बार क्या तस्वीर रहने वाली है, आपसे जानना चाहूंगा। देखिए विजय जी, जो आज भारतीय जनता ने जो विपक्ष को एक मजबूत विपक्ष दिया है, उससे लग रहा है कि अब सरकार के नकेल रखी जाएगी और सरकार अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी, ये इसका मेन कारण रहेगा। और आज सबसे पहले तो भारतीय जनता का आभार, जिन्होंने विपक्ष को सशक्त बनाया, और विपक्ष सशक्त होने से आज जो भी सदन में कार्रवाई होगी, अब वो एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी कि जो भी प्रकार की जो ये पहले सदन से लोगों को बाहर निकाल देते थे, विरोधियों को बाहर निकाल देते थे, वो अब नहीं चलेगा। और ये अच्छी बात है कि लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत हो, जिससे और जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको भी काम करने का अच्छा मौका मिलेगा कि विपक्ष के साथ बैठ के काम करे। और सवाल है कि विपक्ष को ऐसा नहीं समझे जैसे कि ये देश में किसी दुश्मनों को समझ रहे हैं, विपक्ष जनता के द्वारा दिया हुआ विपक्ष है। और आज खास बात है कि इस देश में जो भी चुनाव हुए, जो 400 पार 300 पार जो नारे दिए जा रहे थे, वो जनता को जो गुमराह किया, ये उसी के परिणाम है कि इस प्रकार की स्थिति रही। और अब देश में लोकतंत्र के लिए मजबूत रहेगा और भारत में जितना काम अधिक से अधिक हो सकेगा वो इस देश में अधिक से अधिक काम होगा, गरीब का काम होगा, किसान का काम होगा, सब लोगों का, सब वर्ग का काम होगा।
कुल मिलाकर लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं जिनके लिए पिछले यूपीए गवर्नमेंट में भी जो जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी उन्हीं लोक कल्याणकारी योजनाओं पर मौजूदा एनडीए या बीजेपी सरकार काम करती रही है, कहीं ना कहीं नाम थोड़ा बदला बदली रही, लेकिन फिर भी विपक्ष का यह आरोप रहा है कि उन योजनाओं को जो यूपीए गवर्नमेंट के दौरान भी जो योजनाएं चली थी, करीब 50-52 योजनाएं ऐसी थी जिन योजनाओं का नामकरण चेंज कर दिया, उनका रैपर बदल दिया कहीं ना कहीं, और उन योजनाओं को संचालित तो किया जा रहा है क्योंकि उनके बिना मैंडेट पूरा हासिल नहीं कर सकती बीजेपी, बीजेपी के नाक में दम हो जाएगा, लेकिन फिर भी जितना अपेक्षित है उतना काम नहीं हो पा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष दावा करता रहा है कि इतने घर बना दिए हैं, इतने जो किसानों को इतना जो किसान निधि जो सम्मान योजना है उसके तहत इतना पैसा दे दिया गया है, जबकि किसानों का मुद्दा ही सबसे ज़्यादा इन चुनावों में सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहा है। कुलवाल जी देखिए वर्मा साहब, कि सरकार अगर विकास काम ही करती तो चुनाव में और प्रकार की बातें क्यों करते, अपने विकास के कार्य गिनाते ही है, क्योंकि इन्होंने विकास नहीं किया। अब इससे पहले की जो 10 साल में इन्होंने विनाश किया, अब इनको इसी के परिणाम दिखे हैं। और आज स्थिति यह है, समझ में आने लग गया है कि हमें अपनी भाषा का संयमता रखनी चाहिए। हमारे देखिए संघ के सरसंघ जी मोहन भागवत जी ने बोला कि अपने जो विचार है आपको अपने विचार रखने चाहिए, आपने काम के तो बताने चाहिए। आपने कोई भी काम किए वो आपने जनता को बताया नहीं, आप तो जो चुनाव में तेरा कोई मंगलसूत्र ले जाएगा, इस प्रकार की बातें, भाई से भाई को लड़ाने का जो काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, ये उसी के परिणाम है कि आज ये स्थिति वही है और आगे आने वाला समय और भी कठिन आएगा इनके लिए। श्रीमाली जी आपसे पूछना चाहूंगा, वर्ल्ड की थर्ड इकोनॉमी के तौर पर डेवलपमेंट करने का जो वादा है, जो दावा है भारतीय जनता पार्टी का, उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर जो फिगर्स जो दिखाए जाते हैं वो उनको अचीव करना है, अभी बहुत काफ़ी पीछे हैं, हालांकि अभी 2047 तक का लेकिन टाइम क्यों मांगा है, विकसित भारत की बात की जा रही है। उधर इस बार अब कई जो बहुप्रतीक्षित बिल होंगे और कई जो ऐसी योजनाएं हैं बहुप्रतीक्षित जो अभी अटकी हुई है पाइपलाइन में, यूसीसी भी लेकर आने की आपका संकल्प था, सीए की जो दावे की जा रहे थे, इन तमाम योजनाओं को क्या अभी भी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार लागू कर पाएगी, मजबूत विपक्ष के होते रहते जिनका कड़ा विरोध हुआ है? श्रीमाली जी देखिए मैं एक बात बता देता हूँ आपको। पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री जी ने जब सदन के अंदर अपना भाषण दिया था, जब ये मणिपुर के विषय को लेकर आए थे, तब भी मोदी जी ने ये बात कही थी और बार बार हम कहते आए हैं कि आखिर विपक्ष जो है वो अपनी विपक्ष की जो भूमिका होती है, जो पॉजिटिव इस प्रकार की सकारात्मक भूमिका होती है कि जिसके कारण से मुद्दों पर बहस हो, मुद्दों पर बातचीत हो और मुद्दों के आधार पर निर्णय कराए जाए, तो इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था ठीक रहती है। आज जिस प्रकार की बात ये पूरे देश के अंदर हुई, नहीं मणिपुर का तो मुद्दा, मणिपुर का मुद्दा तो क्यों नहीं था मुद्दा, मणिपुर को लेकर तो निष्पक्ष रूप से नाम नहीं लिया किसी दल का, लेकिन आरएसएस के सरसंघचालक और सारे देश जानता है, दुनिया जानती है, उन्होंने बिना किसी का नाम लिए हुए मणिपुर के मामले पर कहा कि साल भर से मणिपुर शांति के लिए वेट कर रहा, शांति का इंतजार कर रहा है, लेकिन हम उसको नजरअंदाज अब नहीं कर सकते, इतना बड़ा बयान आरएसएस के सरसंघचालक ने कह दिया जो कि थिंक टैंक माना जाता है बीजेपी का। तो मैं यही तो कह रहा हूँ शर्मा जी, मेरी बात आपने सुनी नहीं शायद ध्यान से, मैं ये कह रहा हूँ कि जब मणिपुर वाले विषय के ऊपर संसद में बहस हो रही थी, उस बहस के दौरान मणिपुर के संबंध में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की गई संसद के अंदर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए संसद के अंदर, वो भूमिका न तो पिछले 10 साल से बिल्कुल नहीं की गई, और अब ये अपेक्षा करते हैं कि शायद अब राहुल गांधी परिपक्व हो गए होंगे, शायद परिपक्व हो गए होंगे, तो वो परिपक्वता के आधार के ऊपर अपना विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे, ऐसी अपेक्षा की जाती है सत्ता पक्ष के द्वारा, क्योंकि अभी तक का जो 10 साल का ने अपनी भूमिका विपक्ष की भूमिका को सही ढंग से नहीं निभाया। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जहां तक भारत के बारे में, विकसित भारत के बारे में बात है, 2047 तक का जो हमने कहा है कि ये जो पीरियड है ये अमृत काल का पीरियड है,
अमृतकाल का पीरियड का मतलब अभी देश को आजाद होने के बाद में 100 वर्ष पूरे हो गए, 75 हमने वर्ष पूरे कर दिए। ये जो 20-25 साल का इतना हम इस समय का इतना उपयोग कर रहे हैं कि हम भारत को विश्व की प्रथम पंक्ति के अंदर लाके दिया है और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप के अंदर विस्थापित करें, इस प्रकार के प्रयासों में लगातार जनता पार्टी अपना कर्तव्य निभा रही है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस जिस समय में भारत देश आजाद हुआ और उसके बाद में जो दूसरे देश भी आजाद हुए वो सारे देश आज विकसित भारत बन गए, भारत ही क्यों पीछे रहा? अभी तक इतने वर्षों बाद में भी हम केवल विकासशील देश की पंक्ति के अंदर आए हैं। तो 75 साल 80 साल जिन्होंने इस देश पर शासन किया, 70 साल, उन 70 साल शासन करने वाले लोगों से हम पूछे जाते हैं कि भारत को 75 साल 70 साल राज करने के बावजूद भी आप विकसित भारत की श्रेणी में नहीं ले पाए, और अभी आपको चैलेंज के रूप में है। और हम लगातार देख रहे हैं कि आज भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर के ऊपर आ गई है और बहुत जल्दी ही भारत की अर्थव्यवस्था 30 नंबर के ऊपर आएगी। इसी प्रयास के अंदर भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। लेकिन 5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी का जो संकल्प लिया था वो तो उससे काफी पीछे है। 5वीं अर्थव्यवस्था नहीं है अभी भारत की, नहीं जो भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर के ऊपर है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है पिछले के अंदर 5वें नंबर के ऊपर आ गई है। आज हमारी जो अर्थव्यवस्था है विश्व के अंदर वो 5वें नंबर के ऊपर है, जब हम उसको 12वें नंबर से 7वें नंबर पे और 7वें नंबर से 5वें नंबर पे लेके आए हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आने वाले 5 वर्ष के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था 30 नंबर के ऊपर होगी और 25 साल के कार्यकाल के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था 1 के ऊपर होगी। ऐसी अपने भारत के भाजपा के कार्यकर्ता का सपना क्या है? भाजपा के कार्यकर्ता का सपना यह है कि जिस प्रकार से विश्व के अंदर डॉलर की वैल्यू है उस डॉलर की वैल्यू के समकक्ष भारत के रुपए की वैल्यू जिस दिन होगी उस दिन हम ये मानेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था 1 के ऊपर हो गई है। और उसी दिशा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और इस देश की 140 करोड़ जनता इस काम में लगी हुई है। लेकिन 10 साल से तो बीजेपी का ही शासन है लगातार, जिस तरह डॉलर की तभी तो 12 नंबर से 7वें नंबर पे और 7वें नंबर से 5वें नंबर पे आए हैं शर्मा जी, इसी अर्थव्यवस्था के कारण से आए हैं। आप ये देखिए जब 2016 के अंदर भारत के अंदर जब नोटबंदी की गई, उस नोटबंदी से पहले इस देश के केवल मात्र 2.5% लोग और फिर उसके बाद 3.5% लोग इस देश के अंदर इनकम टैक्स भरते थे, आज 7.5% से ज्यादा हिंदुस्तान का व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा है। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, ये सारी जो देश के अंदर जो गति हो रही है, ये सारी जो प्रगति का जो विकास जो देश चल रहा है, नोटबंदी को भी स्कैम मानता है। विपक्ष तो नोटबंदी को भी स्कैम मानता है। विष्णु कुलवा जी, आपसे जानना चाहूंगा, अपरिपक्व व्यक्तियों के बारे में जिस प्रकार के जनता ने जवाब दिया है और तीसरी बार मैंडेट दिया है भाजपा को, तो यह अपने आप के अंदर एक उदाहरण है कि देश के जनता ने यह कहा है कि अभी आप ढंग से विपक्ष की भूमिका निभाइए, उसके बाद में हम बात करेंगे, यही मैंडेट है देश का। कुलवाल जी जवाब दीजिए, नोटबंदी का नाम ले रहे हैं, नोटबंदी जिसको आप लोग, तो विपक्ष तो लगातार जिस तरह नोटबंदी को बता रहा है कि बहुत बड़ा स्कैम है बीजेपी का, और नोटबंदी के जरिए ये कह रहे हैं कि डॉलर को ऊपर लेकर आने की बात है, डॉलर के समकक्ष जो भारतीय जो रुपया है उसको मजबूत करने की का दावा कर रहे हैं और भारत की इकोनॉमी को मजबूत करने का दावा कर रहे हैं। कुलवाल जी देखिए, वर्मा साहब, मैं भी भारतीय हूँ और जितेंद्र भाई भी भारतीय है, ये इस प्रकार की बात कह के गुमराह कर रहे हैं, ये गलत बात है। आज ये कह रहे हैं कि 75 साल के अंदर, ये खुद बोल रहे भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल राज किया, 5 साल और 7.5 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राज किया, तो ये देखो गुमराह नहीं करे। आज भी ये जो अभी भी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का राज है, इनको गलत फहमी है अभी भी कि भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, एनडीए का है, तो एनडीए बात करें, ये भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से बात नहीं करें, ये गुमराह, यही तो गुमराह करने का काम है। ये आज जो भी बातें करते हैं ना, ये देश के 10 साल 15 साल 20 साल आगे की बात करते हैं, इन्होंने 15 साल में क्या किया उसके बारे में नहीं बताएंगे। ये जो बातें कहते हैं आज, ये कहते हैं कि कार्यकर्ताओं ने जो काम किया, अरे कार्यकर्ताओं ने जितना अपमान किया ये तो आपको खुद को पता है। यही तो स्थिति रही आज पार्टी की, इस स्थिति में उसी के बाद आज एनडीए की बात, आप जो भी पार्टी के आज प्रवक्ता के रूप में आप बैठे हो ना,
तो आप बीजेपी नहीं, आप इस तरह से बैठे हो तो आप एनडीए बोला करो आप, तो आप गुमराह मत करो कि भारतीय जनता पार्टी का राज है। भारतीय जनता पार्टी का राज नहीं है, भारत में एनडीए का राज है। और जहां सवाल है देश की, देखिए देश की आज से आज तक इन्होंने सारे विकास काम किए हैं, और जो पीछे जितनी सरकारी थी ना उन्होंने तो इसका विनाश ही किया है। ये देश में आज जो इनको बोलने की आजादी है ना, ये आजादी कांग्रेस ने दी होगी इनको, तो आज ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे अभी भी कटुता पैदा करते हैं। अभी चुनाव हुए भारत में, चुनाव के बाद अपन सबको बैठ के देश के हित की बात करनी चाहिए, मगर इनके बाद अभी भी अहंकार है। अहंकार जब तक जाएगा नहीं ना, जब तक इस देश में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। साथ लेकर चलना पड़ेगा। 100 करोड़ जनता की बात करते हो तो क्या 140 करोड़ जनता में विपक्ष नहीं है क्या? तो आप गुमराह मत करो, एक तरफ 140 की बात करते हो, एक तरफ विपक्ष को गाली बकते हो। इस प्रकार नहीं, देश चलाने के लिए चुनाव हो गया खत्म, अब देश के विकास की बात और देश को आगे चलाने की बात करो। नहीं वर्मा साहब, एक चीज समझ लीजिए कि इनका इरादा था हमारा इरादा में देश को आगे बढ़ाना कि नहीं बढ़ना। पहले तो यहाँ सहमति होनी चाहिए कि देश मजबूत हो, देश आगे बढ़े और देश का विकास हो। यहाँ विपक्ष हमेशा सरकार के साथ है, मगर सरकार विपक्ष के साथ नहीं है। जब भी आप 150-150 लोगों को सदन से बाहर निकाल देते हो तो आप सदन कैसे चलाना चाहते हो? ये आपने मन में जो पास कर दिया, मन में जो निकाल दिया। इस प्रकार से सदन नहीं चलता है। सदन चलता है विश्वास से, सदन चलता है काम से। आज ये देखो, ये किसकी बात करते हैं? ये 200-300 अरबपतियों की बात करते हैं, ये गरीबों की बात कहाँ करते हैं? ये किसानों की बात कहाँ करते हैं? ये बेरोजगारी की बात, अग्निवीर की बात कहाँ करते हैं? आज लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। आज आज नीट के एग्जामों को देख लीजिए आप, उसमें क्या हो रहा है? लोग आज बच्चा, आज 22-23 साल का बच्चा आत्महत्या कर रहा है। आज उसको इस काम के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आज सरकार को सोचना चाहिए, इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि आज ये स्थिति देश में क्यों हो रही है। अगर देश में काम होए ना, अगर व्यापार होए ना, तो देश में कोई कमी नहीं है। पर इस देश को चंद पूंजीपतियों के हाथ में देकर ये देश को गुमराह करना चाहते हैं। आगे वाला आने वाला समय बताएगा कि जनता को कितना गुमराह कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। मगर अब विपक्ष इनको इस प्रकार की कोई कार्रवाई करने नहीं देगा। अच्छा, यूपी में बहुत अच्छा जो विपक्ष ने भूमिका निभाई, एसपी ने अच्छी सीटें जीती, बीजेपी को यहाँ पे धराशायी किया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह शून्य हो गई। इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति है, कुछ जानना चाहेंगे हम। बीएसपी की क्या रणनीति है, क्योंकि एक वही यूपी ही ऐसा प्रदेश है जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने खुद को स्थापित किया था, तो अब किस तरह दोबारा से अपने लिए मैदान तैयार करेगी बीएसपी? देखिए, कुछ हमारी पार्टी में कुछ लोग इस प्रकार से हम लोगों को गुमराह कर रहे थे, और इसी कारण से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं मायावती जी, आज खुद को अभी से डिसीजन करना पड़ रहा है कि आज हमारी पार्टी की स्थिति ऐसा क्यों हुआ है। और इस स्थिति के बाद जो यूपी में जो 2027 में चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए अभी से हमारी तैयारी शुरू हो गई है। और आगे आगे आने वाला समय, अब आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की बीटी में अब हमारे पर कोई आरोप नहीं लगा सकते। जो कुछ गलती हमसे हो गई उसकी सजा हमने भोग ली, मगर अब आगे आने वाला समय यूपी की जनता के लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है, और भारतीय जनता पार्टी का अब जो शासन है वो नहीं रहने वाला। अच्छा, बीएसपी के मूलतः जो वोट है, वोट बैंक था, वो यूपी में किधर की तरफ कन्वर्ट हुआ? एसपी की तरफ गया, कांग्रेस की तरफ गया, किधर डाइवर्जन हुआ, क्या ये जानना चाहता हूँ? देखिए देखिए वर्मा साहब, ये तो आपको भी पता है, और आप मेरे मुंह से क्यों कमाना चाहते हो बात को। ये लगभग लगभग जो ये इन्होंने संविधान के बारे में जो बात की ना, उस संविधान के बारे से लोगों का मन जो था वो एक ही तरफ पार्टी तरफ चले गया। ये उसी का कारण है कि आज ये जो अखिलेश जी की और कांग्रेस की जो सीटें आई है, अधिक सीटें आई है, उसका कारण एक ये भी रहा, इन्होंने संविधान पे, इन्होंने बोला संविधान बदल देंगे हम देश का। ये खुद भारतीय जनता पार्टी ने बोला है, ये कोई हम लोगों ने नहीं बोला है। तो ये हमको इसका नुकसान हुआ है, और इसको नुकसान को भरपाई करने के लिए आगे आने वाले समय में हम लोग मजबूती से काम करेंगे अपनी पार्टी के लिए। महाराष्ट्र में हालत बहुत ज्यादा बीजेपी की,
वहां तो जो देवेंद्र फडणवीस है उनके खिलाफ तो काफी रणनीतिक रूप से एक्शन लेने की तैयारी हो रही है, और वो भी बैकफुट पर आ गए हैं पूरी तरह की। वो जो खुद को मान चुके हैं कि वो वहां पे एक अच्छे लीडरशिप नहीं कर पाए, और उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। उधर एकनाथ शिंदे हैं, उन्होंने भी बयान दिया है कि 400 सीट का जो नारा है वो ले डूबा बीजेपी को, और कहीं ना कहीं जो एक परसेप्शन तैयार किया गया था, रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, संविधान को निपटा देंगे, लेकिन ये 400 का जो पारा है वो सबसे ज़्यादा मतलब नुकसानदायक रहा बीजेपी के लिए, एकनाथ शिंदे का बयान है। अब एकनाथ शिंदे की भी जो जो सीट है, जो गद्दी है, वो भी कहीं ना कहीं खिसकती नजर आ रही है। उनके जो कुछ विधायक हैं वो भी उद्धव ठाकरे से और दूसरे जो इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उनसे संपर्क में हैं। देख साहब, सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान की जनता से मेरा आह्वान है, चाहे किसी भी व्यक्ति हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, कितना बड़ा आदमी क्यों नहीं हो, अगर जो पार्टी से दल बदलता है और दल बदल करके जो किसी प्रकार की और दूसरे को पैसे के बल पर सपोर्ट करता है, लोगों को, जनता को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि जिंदगी में वो कभी चुनाव नहीं लड़ सके। ये चुनाव आयोग कहाँ है आज? ये नियम के संविधान में तो के साथ ये 5 साल निकल जाते हैं, 5 साल तक कोर्ट में फैसले होते हैं, जितेंद्र जी तो खुद ही कोर्ट के अंदर हैं, खुद ही हमारे बढ़िया वकील हैं, इनको भी पता है कि 5 साल तक इस प्रकार से लोगों को, आप लोगों को गुमराह करना चाहते हो क्या? क्यों इसका फैसला 2 महीने में होना चाहिए? क्यों नहीं होता 2 महीने में? जिस आदमी ने पार्टी के साथ धोखा दिया है, जिस आदमी ने पार्टी को धोखा दिया है, उसको उसको क्या चुनाव आयोग सपोर्ट कर रहा है क्या? उसको इस प्रकार से चुनाव आयोग को इस प्रकार की कार्रवाई पे तुरंत कार्रवाई करने। आज 21 सुन लिए वर्मा साहब, मैंने आज सुबह इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से, और कल सुबह मैंने कांग्रेस इस्तीफा दे दिया, सीट खाली हो गई, बदल गई, अब मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया। जब भाई चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता चाहता तू, तो बाहर टिकट लेके क्यों वापस आया है? ऐसे लोगों पे 25 साल की पाबंदी लगनी चाहिए। तो इस देश के लिए, अगर देश के हित में काम करना है तो, कि कौन सी मजाक है, कौन सा सिस्टम है ये कि आपने पैसे के बल पे लोगों को खरीद रहे हो, इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हो, ये देश के लिए गलत है। आज वर्मा साहब, इस प्रकार की कार्रवाई ज्यादा ठीक नहीं है, ये इनको इसके इसी के परिणाम इनको भोगने पड़े। जहां सवाल आप बोल रहे हो महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र में फडणवीस साहब, आज फडणवीस साहब की स्थिति क्या हो गई? एक जो वहां पे वहां का मुख्यमंत्री था, उसको आज इन जो जो दिल्ली में बैठे हैं देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, आज वो क्या बोलते हैं कि उसको बोला तू तो मुख्यमंत्री की शपथ ले। अरे भाई तुम्हें ऐसा क्या हो गया था भाई? इसका क्या भारतीय जनता पार्टी का तो नहीं, जनसंघ का भी एक सिद्धांत था, सरकारें आएगी जाएगी, हम लोग झुकेंगे नहीं, न किसी के आगे गिरेंगे। ये लोग तो उस जगह तक गिरने के लिए तैयार हो गए। इन्होंने उस भारतीय जनता पार्टी, उस जनसंघ की जो बात थी, संघ की जो बात थी, इन लोगों को कहां तक ले गए? एक पार्टी का राष्ट्र अध्यक्ष बोलता है कि हमें संघ की जरूरत नहीं है। अरे तो भाई तू कौन होता बोलने वाला? तू तो खुद ही संघ से आया होता। इस प्रकार की बात बोल के ये खुद जनता के सामने डिफेम हो रहे हैं। और आज भी अगर ये जो जिस ढंग से खड़े एनडीए के अंदर, आगे आने वाला समय अच्छा नहीं रहेगा इन लोगों के लिए भी, और वक्त बताएगा क्या होगा और क्या नहीं होगा। चलिए, कांग्रेस से मोहम्मद आरिफ हैं, वो जुड़ गए हैं हमारे साथ। आवाज आ रही है आरिफ साहब आपको? हाँ सर, आ रही है सर आवाज। बहुत बहुत स्वागत है आपका आरिफ साहब। अब की बार 10 साल बाद आपका जो विपक्षी गठबंधन है वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा पाएगा, इस बात की खुशी है या नहीं आपको? सर बिल्कुल खुशी है, नेता प्रतिपक्ष हम चाहते हैं तो बस और यही सवाल है, चाहता है। यही सवाल है, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका इस बार किस तरह जो निभाई जाएगी, और साथ ही इस बार संभावना ये भी जताई जा रही है कि डिप्टी स्पीकर का पद भी मिल सकता है, क्योंकि पहले तो 10 साल तक तो ये सत्ता पक्ष की तरफ से जो ये बातें कही गई थी कि 10% भी जब तक सीटें नहीं हो विपक्षी दल के में, तब तक नेता प्रतिपक्ष नहीं गठन किया जा सकता। इस बार 99 सीटों के साथ कांग्रेस है, और कांग्रेस ही सबसे बड़ा जो विपक्षी दल के रूप में उभरा है, तो विपक्षी दल भी आपका ही होगा, और संभवतः राहुल गांधी का नाम है, हालांकि अभी इस नाम पर कोई फैसला नहीं हुआ है। राहुल गांधी अगर मना कर देंगे, इनकार कर देंगे, तो कोई और भी इस दौड़ में आगे आ सकता है। लेकिन जिस तरह रोजगार, महंगाई,
और निजीकरण के मुद्दे पर राहुल गांधी घेरते रहे हैं सत्ता पक्ष को, मोदी सरकार को घेरते रहे हैं। इस बार तो उनके पास और भी ज्यादा अच्छा मजबूत ग्राउंड रहेगा। इस बार कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर घेरने की तैयारी रहेगी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या चाहता है कांग्रेस में, किस तरह की बातें होती है? देखिए विजय जी, ये पूरा भारत जानता है और पूरा विश्व जानता है, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करके पूरे देश को जगाया और आम आदमी की आवाज सदन तक पहुंचाई, राहुल गांधी जी को और कांग्रेस को कभी जरूरत नहीं रही कि हमारे पास में हमारे सांसदों की संख्या कितनी है। एक राहुल जी अकेले थे जो पूरे 10 साल ये हठधर्मिता से जो लोग सरकार चला रहे थे उनके खिलाफ बोलते रहे, चाहे वो सदन का मामला हो चाहे रोड का मामला हो। जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपना तन मन धन लगा के राहुल जी के साथ पूरे भारत जोड़ो यात्रा में साथ दिया और जनता की आवाज पूरे देश के अंदर पहुंचाई और ये गूंगी भीरी सरकार को जगाने की कोशिश करी, अब मैं ये चाहता हूं और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता चाहता है, देश का हर नागरिक ये चाहता है कि राहुल जी ने जिस तरीके से गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए सदन के अंदर आवाज उठाई, भारत के हर नागरिक की राहुल जी ने जिस तरीके से इस गूंगी भीरी सरकार को जगाने की कोशिश करी, अब भारत की जनता ने राहुल जी पे विश्वास करके इतनी अच्छी जनसंख्या के अंदर सांसद भेजे और इंडिया गठबंधन के जो संख्या बल आई है उसके आधार के ऊपर अब मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी सरकार अपनी मनमानी से देश की जनता के साथ खिलवाड़ करेगी। राहुल जी ने जिस तरीके से हर मुद्दे के ऊपर आगे आकर इस बीजेपी के लोगों से टक्कर ली, अब भारत का अपनी आवाज उठाए और भारत का हर नागरिक आपके बड़े नेता हैं सचिन, आपके बड़े नेता राजस्थान के सचिन पायलट, और उनका कहना है कि अब मनमानी नहीं हो पाएगी, अब सत्ता पक्ष मनमानी नहीं कर पाएगा। तो ये मनमानी की जो बात कही जा रही है, ये मनमानी किस तरह की मनमानी है, किस चीज, किन चीज़ों को आप मनमानी के तौर पर मानते हैं जो 10 सालों में आपने देखी है और उन पर जो लगाम कसने की तैयारी में इस बार विपक्ष मजबूत भूमिका निभाएगा? देखिए विजय जी, मनमानी हम सबको पता है कि संख्या के आधार पर राज्यसभा के अंदर बीजेपी को तकरीबन 167 सीटें चाहिए थी बहुमत के लिए और लोकसभा में 367 सीटें चाहिए थी, और अब अपन देख रहे हैं कि बीजेपी के पास में राज्यसभा के अंदर तकरीबन 117 सीटें ही बाकी रहेंगी और लोकसभा के अंदर भी उनके पास में इतनी सीटें नहीं है जो अपनी मनमानी कर सके। इसी आधार के ऊपर हमारे नेता युवा दलों के धड़कन पायलट साहब ने भी अपने मन की बात कही है, हम उनके बात पर सहमत है, अब बीजेपी की मनमानी बिल्कुल भी नहीं चलने चाहेंगे, चाहे देश की बात हो चाहे प्रदेश की बात हो, जनता की आवाज हम हर नागरिक तक पहुंचाएंगे, जनता की आवाज के लिए हम सड़कों को आना पड़ेगा सड़कों पे जाएंगे और हमें जेल भरने पड़ेगा तो जन आंदोलन भी हम करेंगे। कुलवाजी, नई सरकार के गठन के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए किसान सम्मान निधि की जो 17वीं किश्त है, किसानों को लेकर सबसे गंभीरता नजर आ रही है क्या पीएम नरेंद्र मोदी में? क्योंकि 2022 तक का जो उनका संकल्प था, जो उनका वादा था कि किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी, वहां पर भी कहीं ना कहीं फेल्योर नजर आया, कुछ और भी लंबित योजनाएं थी वहां पर भी जो किसानों का विरोध रहा वो पूरी नहीं कर पाए और वो बिल जो चर्चा में रहे हैं 3 बिल जिनको लागू नहीं कर पाई सरकार किसानों के जो आंदोलन के बाद, उसके बाद फिर किसानों की बात कर रही है कांग्रेस सरकार, माफ कीजिए मोदी सरकार, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले राहुल जी ने ही सदन के अंदर किसानों के लिए आवाज उठाई थी और राहुल जी ने ही मोदी सरकार को कुलवाल जी आपसे पीछे धकेला था। विजय जी आप देखिए, राहुल जी किसानों के हितैषी है, नरेंद्र मोदी सरकार ने हमेशा किसानों के साथ में विश्वासघात किया है और तुरंत प्रभाव से अभी इन्होंने शपथ लिए 2 दिन पहले उन्होंने तुरंत प्रभाव से किसानों के हित के अंदर एक बिल लेके आए, बाकी मुझे नहीं लगता ये फिर आगे किसानों के लिए धोखा देंगे। अब आप ये देखिए कि भी थोड़े दिन पहले एयरपोर्ट के ऊपर एक महिला कॉन्स्टेबल ने अपने जो नई नियुक्त सांसद बनी है अपने कंगना रावत उसको थप्पड़ जड़ा, पता ये चला है कि वो भी एक किसान की बेटी थी। किसानों के अंदर इतना आक्रोश है कि कुछ पार्लियामेंटों के अंदर हम जानते हैं कि बीजेपी के जो लीडर है जो प्रत्याशी रहे MP के वो अपने क्षेत्र के अंदर भी जनसंपर्क नहीं कर पाए, ये इतने डरे हुए हैं
के किसानों के गांवों के अंदर जाना भी, ये जाने से भी इनको डर लगता है। किसानों की बात तो सिर्फ कांग्रेस ने की है, किसानों के हित की बात कांग्रेस ने की है, और मुझे विश्वास है कि आगामी जो भी किसानों के लिए काम करेगी वो कांग्रेस सरकार ही करेगी। बीजेपी कहीं ना कहीं चौतरफा तौर पर घिरती नजर आ रही है, क्या आपको इससे उत्साहित नजर आ रहे हैं? क्योंकि अब तो आरएसएस जो उनकी जिनको थिंक टैंक माना जाता है बीजेपी का, उनके जो सरसंघचालक हैं उन्होंने तक ये कह दिया कि मैं की भावना आ गई थी, अहंकार नहीं चलेगा। और साथ ही मणिपुर वाले मामले में आरएसएस ने घेरा था कि एक साल से मणिपुर जल रहा है, इंतजार कर रहा है, हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और साथ ही उन्होंने चुनावों के दौरान जिस तरह की भाषा, जिस तरह की अमर्यादित चीज़ों का विरोध किया सरसंघ चालक ने, तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है एक सपोर्ट सब तरफ से मिल रहा है। बीजेपी के कुछ लीडर्स हैं, पुराने लीडर्स हैं, वहाँ से भी बयान आ रहे हैं, और आरएसएस ने खुलकर अब तो उनके जो ऑर्गेनाइज़र एक पत्रिका आती है उसमें भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर विरोध किया है मोदी सरकार का 10 साल के जो कार्यकाल का, उस पर नाम नहीं, जरूर नहीं लिया, लेकिन सीधे तौर पर मोदी सरकार का विरोध किया है। तो उससे कहीं ना कहीं आपको बल मिला है, क्योंकि विपक्ष भी पूरी तरह मजबूत है सदन के भीतर, और उधर से आपको आरएसएस लॉबी भी इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है। देखिए मणिपुर के अंदर विजय जी, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मणिपुर का दौरा राहुल जी ने ही किया था, और सत्ताधारी सरकार ने आज तक मणिपुर की कुछ सूद नहीं ली। मणिपुर के अंदर सैकड़ों बेकसूर लोगों की हत्या कर दी गई, एक हमारी बहन को नग्न अवस्था के अंदर दौड़ा दौड़ा कर उसको मारा गया, और सत्ताधारी जो सरकार है उसने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने आज तक मणिपुर के ऊपर एक शब्द भी नहीं बोला, ना ही मणिपुर के लिए अभी तक उन्होंने सोचा। सिर्फ कांग्रेस के ही नेताओं ने मणिपुर की सूद ली, राहुल जी ने दौरा किया, और मणिपुर की जनता को कांग्रेस पे पूरा पूरा भरोसा है। मणिपुर का क्या, पूरे भारत का उद्धार कांग्रेस सरकार ही कर सकती है। कांग्रेस की विचारधारा 36 कौमों की विचारधारा है। बीजेपी ने हमेशा अपनी चापलूस लोगों के लिए ही और 3 उद्योगपति के लिए ही देश के अंदर काम किया है। अब देश की जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है कि बीजेपी सिर्फ अच्छा। आरिफ साहब, क्या ये जो संविधान और आरक्षण वाली जो मुद्दा बनाया था आपने चुनावों के दौरान, ये जो मुद्दा बनाया था ये कि सिर्फ एक बहाना था, ये एक परसेप्शन तैयार करना था, या वाकई में आपने एक एजेंडा उठाया था, आपको कहीं से कोई भनक लग गई थी कि बीजेपी इस तरह करना चाह रही है, या फिर आपने एक एक परसेप्शन तैयार किया था ताकि वोट बैंक हासिल करने के लिए? फिर मैं ओपी यादव जी उनसे जुड़ूंगा। 2% बीजेपी का यही मोटिव था कि देश के अंदर से दलितों को, माइनॉरिटी को, एसटीएसटी को पूरी तरीके से खत्म करना, उनका आरक्षण छीनना, यही वजह रही है कि जो 400 पार का वादा कर रहे थे वो आज कहाँ आके समट गए। बीजेपी का पूरा मोटिव रहा है कि दलितों को और एसटीएसटी को पूरी तरीके से देश से आरक्षण उनको समाप्त करना, वही नतीजा रहा है। आज 400 का वादा करने वाले 400 का अपना के अंदर 400 पार वो करने वाले कहाँ के समट गए, ये हमारे देश के सभी नागरिकों ने बता दिया है कि देश के अंदर जिस तरीके से हमारे हमारे संविधान रचयिता भीमराव अंबेडकर जी ने जिस तरीके से संविधान की स्थापना करी थी, और वो स्थापना कोई टाइम पीरियड किसी 2, 4, 5 साल, 10 साल के लिए नहीं थी, जब तक दलितों को और शेड्यूल कास्ट को लोगों के लिए पूरी तरीके से उनको उनका अधिकार नहीं मिल जाता तब तक ये आरक्षण लागू रहेगा। ओपी यादव जी भाजपा से जुड़ गए हमारे साथ। ओपी यादव जी, बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि आरक्षण और संविधान को वाकई में खत्म करना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी। अगर इस तरह का ये परसेप्शन दोबारा चुनावों में तैयार करेंगे तो आगामी विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को नुकसान हो सकता है। क्या रणनीति रहेगी आपकी और क्या कहना चाहेंगे आरक्षण और संविधान का जो मुद्दा है, जिस पर अभी एकनाथ शिंदे जी का बयान आया है महाराष्ट्र से कि ये जो आरक्षण और जो संविधान का मुद्दा है वो विपक्ष ने बहुत बेहतरीन तरीके से उसका परसेप्शन था, झूठा परसेप्शन तैयार किया, और जिसकी वजह से बीजेपी को और एनडीए को नुकसान हुआ है। यादव साहब। हाँ विजय जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने अपने चैनल के माध्यम से जनता के जो देश के मुद्दे हैं वो उठाने का काम किया। और दूसरा, मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था
इन्होंने ये कहा कि आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। आरक्षण और संविधान खत्म करने का इनका क्या है, इन्होंने हमेशा झूठ बोला है कांग्रेस ने। जब भी कोई चुनाव आए हैं तो इन्होंने कोई ना कोई झूठ परोसा है। और देश की जो 15 लाख का वादा कांग्रेस ने तोड़ दिया था, 15 लाख देने का वादा कांग्रेस ने तोड़ दिया था। 15 लाख का वादा मोदी जी ने पहले 12 या 15 लाख का वादा किया था, किसने क्या वादा किया था? झूठ तो बीजेपी में बोलती आ रही है। और अमित शाह जी ने अपने भाषणों में कई बार बोला है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। देश के गृह मंत्री इस तरीके से बयान दे रहे हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, आम नागरिक थोड़ी दे रहा है वो भाषण। हर चीज के अंदर हर मंच के ऊपर आके गृह मंत्री जी ने बोला है कि आरक्षण खत्म कर देंगे। ऐसी डिबेट नहीं करता भैया जी, एक बार ये डिबेट करिए। आपके आपके प्रवक्ताओं को लेकर ही हमारे बीच के अंदर आरक्षण खत्म करने की बात तो आपके नेता ही कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो कभी कही आरक्षण की बात करी नहीं, आरक्षण खत्म करने की बात करी नहीं। ये हमारे कांग्रेस के देने जो आज तक आरक्षण बचा हुआ है, अगर बीजेपी ऊपर वाला नहीं करता दोबारा, यदि 400 पार आई थी तो 100% आरक्षण खत्म होता। इन्होंने अपना नया संविधान बनाकर तैयार कर रखा था, वो संविधान लागू हो जाता। सिर्फ ये 3 आदमियों की सरकार है 10 साल से, 3 आदमियों को फायदा मिल रहा है, 3 उद्योगपति देश के अंदर सरकार चला रहे हैं। नेताओं को पता नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स को हाथ में कमान दे रखी इन्होंने। ओपी यादव जी, मजबूत विपक्ष है इस बार, पूछ ये बोल चुके हैं इनको, ये पूछ लो पहले। अगर ये बीच में गलत बोलोगे तो हम जवाब देंगे साहब। आरिफ साहब, एक बार मैं बात कर लेता हूँ, जो अपना मुद्दा है आज उस मुद्दे पर बात कर लेते हैं। पहले सुन लो, मैंने सुनी है तो आरिफ साहब, हमेशा देश के सामने झूठ परोसा है इन्होंने, हमेशा देश के सामने झूठ परोसा है। और ये इनका इतिहास आज का नहीं है, इन्होंने 1972 में नारा दिया था गरीबी हटाएंगे। आज भी राहुल गांधी यूं कहते हुए घूम रहे हैं कि साहब हम गरीबों के नेता है। यादव साहब, मैं यही कह रहा हूं कि आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए आपकी क्या रणनीति रहेगी, ताकि जो अगर कांग्रेस को अगर झूठ मानते हैं आप इस संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर, तो आप किस तरह के काम करेंगे, जो केंद्रीय नेतृत्व तो किस तरह का काम करेगा, केंद्र सरकार किस तरह का काम करेगी कि लोगों में, आम जनता में, SC ST में, दलितों में और जो किसानों में, महिलाओं में एक विश्वास कायम हो कि न तो संविधान बदलने वाला है और न ही किसी तरह का कोई आरक्षण के मामले में कोई नुकसान होने वाला है उनको, ये देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऐसा जो परसेप्शन रेडी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? क्योंकि इस बार फिर दूसरा सवाल आपसे, जो आप हमारा जो आज का मेन मुद्दा है उस पर आऊंगा जी। अभी इन्होंने एक वो कार्ड वितरण किया था जिसमें 8,000 रुपए हर महीने और 1,00,000 रुपए प्रतिवर्ष देने का इन्होंने वादा किया था कुछ समय पहले। अभी टीवी ने भी दिखाया था, लाइन लगी हुई थी इनके ऑफिस में कि जब हमारे 1,00,000 रुपए तो हमने आपको वोट दे दिया। इनका हमेशा क्या है कि जनता के सामने चुनाव के समय में झूठ बोलना और झूठ बोल करके उनके वोट ले लेना, इनका ये पुराना इतिहास रहा है। ये झूठ बोल करके वोट लेते हैं, कहीं भी आरक्षण कोई खतरा तो कोई खतरा नहीं है ना आरक्षण को। अभी आरक्षण 370 खत्म करने लोगों ने। आरिफ साहब, एक बात बात पूरी नहीं हुई। 15 लाख के बाद में तो 3 चुनाव से गुजर चुके श्रीमान, और आपके कितने राज्यों में सरकार है? चुनाव है, पूरे देश ने देखा है किस तरीके से चुनाव है, पूरे देश ने देखा है। ये तो तीसरी बार स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हम समझ गए। नहीं, आपकी कितनी सरकार है? स्टेट गवर्नमेंट की पूरी आपको जन कल्याणकारी योजना खत्म करती सर। कितनी स्टेट गवर्नमेंट ने 15 लाख सरकार ने जो योजनाएं बनाई थी पूरी खत्म कर दिया हमने। आपके लिए इतना अच्छा 2024 का चुनाव आ गया, इसमें भी 99 पे रह गए तुम। कितने पे लड़े थे और कितने सीटें आई तुम्हारी, आकलन किया है क्या, समीक्षा की है आपके नेताओं ने? आप हार जीत 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 338 सीटों पे लड़े थे, 338 सीटों पे लड़े थे। 10 साल में अगर 10 साल के अंदर हमने अच्छा काम किया होता तो 400 पार पड़ जाते। जो तो आपने झूठो बातें कर करके जनता को बेवकूफ बनाया है, 400 के नीचे समझ गए आप क्या? दो और ये भी नहीं पता कि आपकी सरकार कितने, अरे भाई दिन चलेगी? अभी तो आपके 200 का नारा, सरकार के ऊपर तलवार लटकी हुई है सर, आपकी सरकार के ऊपर तलवार लटकी हुई है। 200 का पूरा आपके पास तो बहुत भी नहीं है। तो 295 का दावा किया था चुनाव के रिजल्ट आने से पहले,
कितने पे रुक गए? 99 पे रुक गए। सर हमारे पास में सत्ता थोड़ी थी, सत्ता तो आपके पास थी। आपने काम किया होता है, आपने 10 साल में काम किया होता है, के लिए काम किया होता है तो 400 बार जाते हैं आप। हम तो गए, हमने तो रिकॉर्ड तोड़ा है। झूठ के कोई पैर नहीं, राहुल गांधी के टाइम का हम 400 पार गए साहब। हमारी देखो सीटें, आप हमारा इतिहास उठा के देखो, हमने काम किया है। अभी सवाल किया तो किसानों कंप्यूटर के क्रांति के जनक अभी राजीव गांधी जी रहे। 2000 रुपए आज आप गाड़ी में बैठ के और मैं गाड़ी में बैठ के डिबेट कर रहे हैं, राजीव जी की देने आप जो हमने काम किया सर। जब अपन गाड़ी में बैठ के रोड पे बैठ के अपन जो डिबेट कर रहे हैं ना, ये राजीव गांधी जी की देने इतना संचार बढ़ाया। राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर क्रांति के जनक रहे राजीव गांधी जी, या उनकी देने कांग्रेस की देने सर। IIT बनाई, IIM बनाया, आप बताओ राजीव गांधी क्या कांग्रेस ने सूच से लेकर आवाज तक कांग्रेस ने क्या है? तुम्हारे बहुमत नहीं है अभी तक, 40 साल हो गए। झूठ का धार के ऊपर कितने दिन चलेंगे? आपके सीनियर लीडर तो आपको तो पूरे देश के अंदर नामो निशान मिट गया। मोदी जी जाते उसको साइड में पटक देते। आप ही बताते राजस्थान के अंदर आपका सीनियर लीडर बचा कौन है? यादव साहब, यादव साहब आज आज जो आज प्रमुख आज का जो डिबेट का मुद्दा है उस मुद्दे पर आते हैं यादव साहब। एक बार यादव साहब मुद्दा यह है, मुद्दा यह है कि नहीं बोले यादव साहब, मुद्दा यह है चढ़ने का काम करते हो। मुद्दा यह है 3.0 मोदी सरकार का कार्यकाल शुरू हो चुका है। तमाम जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, मंत्री हैं, वो एक्टिव मोड में आ गए हैं। जो योजनाएं लोकसभा चुनाव के चलते ठंडे बस्ते में थी उन पर काम शुरू हो चुका है और पीएम मोदी भी पूरी तरह एक्टिव नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार विपक्ष सदन के बाहर और भीतर सत्ता पक्ष को कुछ मुद्दों पर, उन मुद्दों पर जहां पर पिछली बार भी घेरा था, उन मुद्दों पर रोजगार, महंगाई के मुद्दे पर घेरने के लिए, निजीकरण के मुद्दे पर घेरने का दावा कर रहा है कि घेरेंगे। और इस बार हम विपक्ष, इस बार हम मजबूत हैं। इसके साथ ही दूसरी चुनौती ये है कि विपक्ष कह रहा है कि उनके पास बैसाखी की सरकार है, जो JDU है और जो TDP है, दोनों ही दल हैं जो तमाम जो योजनाएँ थी जिनका पहले भी विरोध चलता रहा, उन योजनाओं का विरोध उनके साथ जो घटक दल हैं वो भी करते रहे हैं। तो वहाँ से भी मोदी सरकार को कहीं ना कहीं बैकफुट पर आना पड़ेगा। और तीसरा, RSS के सरसंघचालक मोहन भागवत ने जो बयान दिया है उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर मणिपुर वाला मुद्दा जिस पर खामोशी देखी गई पीएम मोदी की तरफ से, उन पर उस पर कहा एक साल से मणिपुर शांति के लिए इंतज़ार कर रहा है लेकिन सरकार कहीं पर भी कोई एक्शन नहीं ले पाई। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार का नाम तो नहीं लिया लेकिन कहा है कि कोई मैं की जो भावना है, अहंकार की भावना है, वो सरकार में नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने चुनावों के दौरान जो अमर्यादित चीज़ें हुई, जो बयानबाजी हुई, उन पर भी घेरने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं चौतरफा घिरी नजर नहीं आती आपको BJP? एक तरह से विपक्ष मजबूत हो गया है, नेता प्रतिपक्ष भी बनेगा अब, और आपको डिप्टी स्पीकर भी बनाना पड़ेगा। पहले तो आप ये दलील दे रहे थे कि जो 10% जो सीटें नहीं है वो दल नेता प्रतिपक्ष नहीं बन सकता उस दल का, लेकिन अब तो 10% से ज़्यादा सीटें हैं कांग्रेस के पास, तो नेता प्रतिपक्ष भी बनाना पड़ेगा, डिप्टी स्पीकर भी बनाना पड़ेगा। इसके अलावा चर्चा ये भी है कि आपके जो कई जो घटक दल हैं उनके छोटे छोटे जो इंडिविजुअल लीडर्स हैं वो टूट टूट कर इंडिया गठबंधन की तरफ आने की भी बातें सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। तो बहुत बड़ी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा, किस तरह योजनाओं को अमली जमा पहनाएंगे पीएम मोदी इस बार? विजय जी देखिए, विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, रही बात ये तो मोदी जी भी कहते आए हैं, लेकिन उसके साथ ही वो ये भी कहते आए थे कि कांग्रेस मुक्त भारत। जब कांग्रेस मुक्त भारत कह देंगे तो कांग्रेस तो सबसे बड़ा मजबूत दल रहा हुआ है, रहा था इसका सदन के भीतर, फिर कांग्रेस को मुक्त करने की बात क्यों करते थे मोदी जी? मैं अभी आपकी बात का जो जवाब दे दूं, एक बार RSS प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी ने यदि कोई बयान दिया है तो वो क्या है कि सभी पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए बयान देते हैं,
किसी को भी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि साहब मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन मौजूदा सरकार तो पार्टी के संगठन जी जी बताइए क्या मनमानी की, आप बताइए ना सर सरकार। आप मुझे ये बताइए मैं कहीं पे भी नहीं दिखाई दिया। सबका साथ सबका विकास उन्होंने हमेशा बोला है, सबका प्रयास सबका विश्वास सबका बोला है। ये कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने ये किया मैंने ये किया। और एक व्यक्ति एक लीडर, देखो देश अगर किसी को चुनता है तो एक व्यक्ति को ही तो चुनेगा ना, उसके पीछे ही तो सभी चलेंगे और उसके निर्णय को ही मानेंगे। अब रही बात दूसरी आपकी, जो आप ये जो एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि सब आपके जो सहयोगी दल है वो धीरे धीरे छिटक रहे हैं, तो ये एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है, इसमें कोई दम वाली बात नहीं है। तो हम सब मिलकर के सबके विचार कर करके सभी दल से सभी हमारे सहयोगियों से वो एक शानदार वाली सरकार चलाएंगे, इसमें कहीं कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। और आपने देखा होगा कल से ही फैसले लेने शुरू हो गए, सभी मंत्रियों ने अपने अपने पदभार ग्रहण कर लिए। दूसरी बात, अभी जब आप चुनाव की चर्चा कर रहे हैं, राजस्थान के अंदर अभी विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, राजस्थान में सरकार बनते ही 50 दिन के अंदर अंदर जो एक टाइम फ्रेम तय किया था उसके अंदर ERCP का जो फैसला किया, मैं समझता हूँ बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि हमारा मुख्य मुद्दा पानी का है। पानी की समस्या जनता के बीच में हमेशा रही है, उसका समाधान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार ने उसका MOU किया, उसका काम भी करा। ERCP के ऊपर, ERCP के ऊपर पिछले 5 साल से कांग्रेस सरकार लड़ रही है। गजेंद्र सिंह जी जब मंत्री थे तो गहलोत सरकार ने कई बार उनको खत भी लिखे, लेटर लिखे, कई बार उनको रिक्वेस्ट भी करी। आज तक 5 साल से उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल रखा था। सरकार आते ही ERCP का मुद्दा आप लिया, ERCP को लागू कर दिया। और आप कर रहे हो 50 दिन के बाद, सरकार बनते ही उपचुनाव हुआ था राजस्थान में गंगानगर की सीट के ऊपर, आपके मंत्री जी सिटिंग मिनिस्टर हार गए उस सीट के ऊपर, जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है। और आगामी जो उपचुनाव होने वाले 5-6 सीटों के ऊपर राजस्थान के अंदर 100% कांग्रेस जीतेगी, इसके अंदर जनता तिराई तिराई कर रही है, कोई काम नहीं हो रहा जनता के। जन कल्याणकारी कल्याणकारी योजनाएं सब रुकी पड़ी हुई है, सिर्फ आप लोग वादे करते हैं, झूठे वादे करते हैं। जनता पूरी तरीके से आप लोगों को समझ चुकी है। अभी तो 11 सीटें कांग्रेस ने जीती ना सर, 125 सीटें इफेक्टिव करती है राजस्थान के अंदर, 11 लोकसभा सीटें कांग्रेस जीत जाइए, और 11 में से जो बाकी की सीटें बच रही है ना, तो आप देखिए विधानसभा का गणित उठा के, और कांग्रेस कम से कम 150 सीटों का मजबूत। आरिफ साहब मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, आरिफ साहब 11 सीटें जीती है कांग्रेस गठबंधन ने, तो क्या आप ये कांग्रेस की जीत मान रहे हैं या बीजेपी की हार मानते हैं इसको, राजस्थान में जो 11 सीटें जीती है उनको? क्योंकि गुटबाजी तो आपके भीतर है, आपके यहाँ राजस्थान में तो लीडरशिप की कमी है। बीजेपी की आ रही है तो पूरी तरीके से, अगर बीजेपी काम करती 10 साल के अंदर जन कल्याणकारी योजनाओं पे काम करती, पक्षपात नहीं करती, तो पूरी 25 सीटें जीतती। ये वादे कर रहे थे बीजेपी के नेता कि हम क्लीन स्वीप करेंगे राजस्थान से, ये तो खाना दिखाया है। अगर जनता के लिए काम करते ना तो ये स्थिति नहीं रहती सर। तो बीजेपी की हार मानते हैं आप इसको या कांग्रेस की जीत मानते हैं जो 11 सीटें आई है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो पिछले कार्यकाल में काम किया हुआ उसको पार्टी ने हमें गिफ्ट दिया है, जनता ने गिफ्ट दिया है हमें, ये तो पूरी तरीके से। लेकिन भाजपा तो ये कहती रही है कि पूरे 5 साल कांग्रेस में गुटबाजी चलती रही है, पहले सचिन पायलट और अशोक गहलोत का विवाद चलता रहा, अब सुखबुगाट ये भी गोविंद सिंह डोटासरा एक तीसरा गुट तैयार हो गया है, और अब प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा चल रही है, प्रदेश अध्यक्ष का फेस कौन होगा, कुछ और नाम भी चल रहे हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं चल रही है रोजमर्रा मेरे को सुनने को मिलती है, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड अभी कोई चीज आई नहीं, आ जाएगी, डेफिनेटली आ जाएगी। मैं आपको एक बात बता दूं विजय जी, एक बात बता दूं, कांग्रेस एक बड़ा परिवार है और हमारे परिवार के डिसीजन हमारा आलाकमान लेता है, और हम आलाकमान सभी सभी हमारे परिवार के जो मजबूत लीडर हैं उनकी सबकी राय मशवरे से काम करते हैं हम, ना के बीजेपी की तरह गृह मंत्री ने अगर अपना स्टेटमेंट दे दिया तो उसी पे काम हो गया, प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया, इनके जेपी नड्डा जी ने बोल दिया उसी पे, ना तो इनके कोई ना इनके ऊपर इनके पास कोई कमेटी है, ये तो हिटलर साहब वाले काम कर रहे हैं। हमारा बड़ी कांग्रेस का मजबूत परिवार है, हमारे में कोई गुटबाजी नहीं है, हमने जिस तरीके से 125 साल पहले कांग्रेस बनाई थी उसी तरीके से कांग्रेस आज भी हमारे परिवार के तरह खड़ी हुई है। ये सब फालतू बातें बीजेपी का धर्म फैलाया हुआ है इसके अंदर, ये सब कुछ नहीं है प्रदेश के अंदर, सब एकजुट है और एकजुट होकर काम कर रहे हैं, इसका परिणाम हमने अभी 15 दिन पहले देख भी लिया। OP यादव साहब, कांग्रेस के बड़े नेता हैं सचिन पायलट, उन्होंने कहा है, बयान दिया है कि जो अब मनमानी नहीं होगी, विपक्ष मजबूत स्थिति में है सदन के भीतर,
और मनमानी बिल्कुल नहीं चलने दी जाएगी। मनमानी जो कह रहे हैं उसमें मनमानी, जिस तरह 150 सांसदों को बीजेपी ने बीजेपी के जो कार्यकाल में, पिछले कार्यकाल में निकाल दिया था, बाहर कर दिया था, इस तरह की मनमानी, बिलों को अपने मनमानी तरीके से पास कराने की बात, ये तमाम जो चीज़ें हैं, इस तरह का बयान दिया, इस पर क्या कहना चाहेंगे यादव साहब आप? विजय जी, संसद होती है जनता के मुद्दे उठाने के लिए। संसद झगड़ा करने, शोर मचाने, और ये जो अभी प्रवक्ता जो बीच बीच में बोल करके इस डिबेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, जनता इस डिबेट को कतई पसंद नहीं करती। इस तरह से कि दोनों अगल बगल से बोलते रहे, जनता के कुछ पल्ले ही नहीं पड़े। आप मुद्दे की बात करो, अपने मजबूती की बात करो, अपने विषय रखो, अपने आगामी का विजन रखो, उसको जनता पसंद करती है। अब ये बार बार बीच में लप लप करने लग जाते हैं ना, इसको कतई पसंद नहीं करती जनता, ये चाहे कितना ही बोले जाए। ये अपने आप में ये समझते हो कि मैं डिबेट नहीं है। आरिफ साहब एक मिनट, यादव साहब की बात सुन लेते हैं। यादव साहब की बात एक मिनट, वो फिर देख लो, कोई बात आ गई ना, बताइए आप, बताइए आप चुप हैं। संसद होती है हमारे जनता के मुद्दों को उठाने के लिए, जनता के मुद्दों को सुलझाने के लिए, संसद में नियम और कानून बनाने के लिए। ये लोग संसद के अंदर सभापति के ऊपर पर्चियां फेंकेंगे, सभापति के ऊपर पेपर फेंकेंगे, तो क्या निर्णय लेगा आदमी? यही निर्णय लेगा ना कि इनको बाहर कर दीजिए। जो उपद्रवी उदंडी जो आदमी होगा उसके लिए क्या होगा? उसके लिए यही होता है। कोई मनमानी नहीं है, कोई एक तरफा नहीं है। अभी विपक्ष है तो भी सदन वैसा ही चलेगा। पिछले 10 साल में जैसे निर्णय हुए थे वैसे निर्णय अभी भी होंगे। ये कतई गलत फहमी में नहीं रहेंगे, हमारे निर्णय में आ गए तो हम सरदार बन गए, ये कतई इनकी उपलब्धि नहीं है। इनकी उपलब्धि में जब मानता, ये हर सीट के ऊपर अकेले लड़ते। क्यों राजस्थान के इनके साथ में समझौता कर लिया इन्होंने, जिसके खिलाफ नहीं लड़े रहते थे। आप तो वादे कर रहे थे कि 400 बार आप भी लड़ लेते अकेले। आपने इंडिया का बंधन क्यों बनाया? उसके जनता ने हमारे पे विश्वास किया, हमने सीट दी हमें। अरे जिस 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 विरोध में तुम खड़े होते थे, जिस विरोध में कांग्रेस का सरकार जो बनती थी, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट उनके खिलाफ तुम जाते थे, उनको उनके कदम तुमने तलवे चाट लिए सीकर के अंदर। क्या बात करते हो? अपने खड़ा करते ना, कैंडिडेट था नहीं क्या तुम्हारे पास में? उम्मीदवार नहीं था सीकर में? कांग्रेस सरकार पूरे देश की बात करती है। कांग्रेस सरकार पूरे देश की क्या? राजस्थान ना, अच्छा यादव साहब राहुल कसवा का भविष्य बता दीजिए आप। क्या वो कांग्रेस में कंटिन्यू रहेंगे या उनके दिल में तो बीजेपी बसती है, इस तरह की भी बातें सुनने को आई है। विजय जी कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। कौन कहां पे आ जाए? इनके कांग्रेस वाले अभी कतई भरोसे में नहीं है। राहुल गांधी पे तो कतई विश्वास नहीं करते हो, उसका पता ही नहीं क्या क्या बोलता बोलता क्या बोल जाता है, कब विदेश भाग जाता है। मैं आपको बता दूं, इनके इनको विजय जी भी तो जम्मो जम्मो दो तीन हो। मैं आपको बता दूं विजय जी, ये बीजेपी के कम से कम 25% है ना ये एमपी जीते हुए, वो के कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर ले कुछ टाइम के अंदर, वो परेशान है मोदी जी की हर धर्मिता से। ये तो बेचारे दबे हुए हैं, बोल नहीं पाते मोदी जी के सामने। बीजेपी के तो कई सांसद बेचारे दबे हुए, उन्होंने जिस तरीके से उनको दबाया डराया डराया, वो हो सकता है कुछ टाइम पहले कुछ को टाइम बाद ये भाग जाए बीजेपी छोड़ के, ये मोदी जी अकेले रह जाए। डाल करके गए कर्ज का बोझ डाल करके गए राजस्थान के ऊपर, उसके बावजूद भी हमारे मुख्यमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा कि खजाने में पैसा नहीं। मोहम्मद जी आरिफ साहब एक मिनट बात सुन लूं मैं पहले, फिर आपके पास आऊंगा, आपसे भी सवाल करूंगा। बिजली कंपनी को इतना घाटे में देके गए हैं ये लोग कि इनको शर्म आनी चाहिए। हमने 5 साल पहले केवल 30,000 करोड़ रुपए कर्जा छोड़ा था बिजली कंपनियों का, आज 1,67,000 करोड़ रुपए का ये कर्जा छोड़ करके गए। इनको शर्म आनी चाहिए। 2013 बात कर लीजिए आप, 25-30 हजार करोड़ घोटाले करे आपके। जनहित का जो फंड था 27,000 करोड़ रुपए इनको जल जीवन मिशन में दिया, उस जल जीवन के मिशन जनता के बजाय जनता के काम में लगाया हमने, साहब जनता के बजाय जनता के काम में लगाया हमने, घर में घर नहीं भरे हमारे। 2013 से 2018 तक आपका कार्यकाल देखिए, आपके सरकार ने किस तरीके से भ्रष्टाचार करा था, आपके कई अधिकारी तो जेल जा गए हैं। अच्छा काम किया था तो 200 की 200 क्यों नहीं ली? क्यों नहीं ली 200 की 200 सीट? अच्छा काम किया था तो, बुरा काम किया तभी तो गए ना राजस्थान में, बुरा काम किया तभी तो हारे जनता। अच्छा ने तुमको नकारा तभी तो। यादव साहब हारनी होती है। आपके नए सीएम भजनलाल शर्मा जी की परफॉर्मेंस को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि दो बार
आपका मिशन 25 क्लीन स्वीप रहा वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में, लेकिन भजनलाल सरकार के नेतृत्व में तकरीबन आधी सीटों का नुकसान हुआ है। क्या वो सीएम रहेंगे? इस तरह की बातें चल रही है कि विपक्ष के सर सीएम का पद बदल सकता है, सीएम का फेस बदल सकता है। इवन ये भी चल रही है वसुंधरा राजे को फिर से सीएम बनाए जी। ये तो देखो हम, ये तो मैं नहीं बता सकता विजय जी, लेकिन भजनलाल जी को समय कितना मिला है ये तो देखिए ना आप। भाई आप 100 दिन पहले मिले, उसके बाद फिर आचार संहिता लग गई, अब उनको समय मिला है, फिर वो अपने काम के ऊपर आए। काम करते ही 2000 रुपए की उन्होंने घोषणा कर दी कि 2000 रुपए हम किसानों को देंगे, जोड़ करके 8000 रुपए किस्त आएगी अगले जो जब भी उनकी इंस्टॉलमेंट जारी होगी। तो इसलिए उनको समय भी तो नहीं मिला ना अभी विजय जी। अब समय तो मिलना ही चाहिए ना, किसी नए व्यक्ति को यदि हम बिठाते हैं, नए कार्यकर्ता को बिठाते हैं, तो उसको थोड़ा समझना भी पड़ता है। इसमें कोई वो नहीं है कि नई जनरेशन को तो तैयार तो करना ही पड़ेगा। क्या करेंगे, हमें 10000 रुपए का काम कराना होता है तो मुख्यमंत्री दिल्ली से मालूम करते हैं, उनके पास तो कुछ अधिकारी नहीं है काम करने के, ब्यूरोक्रेट्स को हमने काम दे रखा है, दिल्ली पूछते हैं वो 10-20 हजार रुपए का काम भी दिल्ली से करा के लाते हैं। इसलिए इसमें सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। दूसरा आदमी नजर नहीं आया प्रदेश के अंदर, नए आदमी नजर नहीं आया, इतने पुराने आपके लीडर रहे तो उनको बनाते सीएम, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। आरिफ साहब हम आपसे ही पूछ लेता हूँ, आपके ऐसे ही बोले जा रहे हैं, इनसे पूछ लेता आरिफ साहब से। आरिफ साहब आपके जो बड़े नेता हैं, आपके जो राजस्थान के जो बड़े नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, सीएम का फेस बनने लायक है और सीएम का फेस रहे भी हैं पूर्व में, उनमें कहीं ना कहीं विरोधाभास की जैसी स्थिति है। कांग्रेस में ये देखिएगा, हम लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह छत्तीसगढ़ भेज दिया था सचिन पायलट को और सचिन पे वहाँ की जिम्मेदारी दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक पैर उनका यहाँ रहा था। तमाम जो उनके खेमे के जो बताए जा रहे थे जो लोकसभा उम्मीदवार, उनका उन्होंने अच्छे से उन्होंने कैंपेन भी किया और काफ़ी हद तक जिता कर भी लाए। उधर अशोक गहलोत है, वो भी राजस्थान को छोड़ना नहीं चाहते, वो बाहर पैर रख लेंगे, बाहर उनको कोई जिम्मेदारी दे दी जाएगी उसको भी शहर स्वीकार कर लेंगे कांग्रेस नेतृत्व द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान छोड़ने को तैयार नहीं है। अभी उन्होंने अपने बेटे को चुनाव लड़वाया, हार गए, और इस पर अब चर्चा ये भी चल रही है कि गहलोत का अब समय खत्म हो चुका है, अब नई लीडरशिप का समय आ गया। अब नई लीडरशिप सचिन पायलट की कई मानी जाए या फिर गोविंद सिंह डोटासरा की मानी जाए, गोविंद सिंह डोटासरा के पास भी अब जो लोग जुटने लगे हैं, बड़े नेता है कांग्रेस के, वो जुटने लगे हैं और कहीं ना कहीं अशोक गहलोत से इस तरह की बात आ रही है, अशोक गहलोत के यहाँ से पल्ला झाड़ने लगे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस गुटबाजी के का, और सचिन पायलट को लेकर भी एक तरफा ये बात आ रही है, सचिन पायलट ये खुद को मान रहे हैं कि वे राजस्थान का आगामी भविष्य होंगे जी। साहब कांग्रेस पार्टी हमेशा एकजुट रही है और आने आगामी टाइम में भी एकजुट रहेगी। मैंने आपको पहले भी बता दिया है, हमारे फैसले अकेला कोई निर्णय नहीं लेता, हमारा आला कमान फैसले लेता है, हमारे जो दिल्ली के हमारे जो आला कमान फैसले लेता है उसी के ऊपर ही हम चलते हैं। सब एकजुट है और आने वाले टाइम में भी एकजुट रहेंगे, हमारे सब नेता मेहनत से काम कर रहे हैं और उसका रिजल्ट सब 11 सीटें लाते हैं, आपने देख लिया 11 सीटें बन जाएंगी। ये सिर्फ बीजेपी का भरम फैलाया गया है कि कांग्रेस के अंदर इस तरीके की भावना है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे सब लीडर, हमारे प्रदेश के और देश के सब लीडर एकजुट होकर काम कर रहे हैं और एकजुट ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है सर। यादव साहब एक आखिरी मौका था जी, बताइए बोलिए विजय जी। बार बार आला कमान क्यों बोल रहे हैं? फिर पार्टी संगठन और इनका जो इनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो कहाँ चला गया? आला कमान बोल रहे हैं ना, तो घमंड या हमारे पास तो आला कमान है, आपका आला कमान ही नहीं बचा। जो भी फैसले करते हैं गृह मंत्री जी करते हैं, प्रधानमंत्री जी करते हैं, हमारे पास आला कमान तो है। इधर ही आपने तो नहीं, इनका आपने तो अडवाणी जी को बिठा दिया, बोलने मनोज जोशी जी को बिठा दिया, प्रदेश के कई लीडरों को घर बिठा दिया, हमारे पास आला कमान तो बचा ना सर। देखिए आप, देखिए आला कमान को लेकर तो विरोधाभास मैं मानता हूँ कांग्रेस में भी रहा है। 25 सितंबर 2022 की घटना को कोई भूला नहीं है, जिस तरह का देखने को मिला। यादव साहब आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी अब सही आ रही है, जी जी बिल्कुल 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 बोलते जाइए। बोल रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ आला कमान है कौन, आपका कहाँ बैठा है आला कमान?
अरे हमारे मोदी को हमारे तुम बहुत बोलते आला कमाल हैं, तो है, हम मानते हैं, सबके सुनते हैं। कांग्रेस पार्टी सिंगल आदमी का डिसीजन नहीं लेती है, हमारे पास आला कमान है आज भी। हम हमारा आला कमान फैसले करता है, सबके सबकी राय मशवरा लेके। गांधी परिवार हमारे देश के जितने भी बड़े लीडर हैं वो सब हमारे आला कमान ही है। अच्छा ओपी यादव साहब, ओपी यादव साहब एक आखिरी सवाल आपसे, एक आखिरी सवाल करूंगा यादव साहब आपसे। एक आखिरी मौका था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास, जिस तरह का नेगेटिव परसेप्शन बन गया था कि जो दलित वोटर्स है वो डाइवर्ट हो गए थे भारतीय जनता पार्टी से, 10 दलित मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन किसी को भी आगे की पंक्ति में जगह नहीं मिली है, इस तरह की बातें आई है। विपक्ष इस बात को उठा भी रहा है, विपक्ष के नेता बयान दे रहे हैं, एक को भी कैबिनेट मंत्रालय नहीं दिया गया, जीतन राम मांझी को दिया गया है लेकिन वो एक अलग पार्टी से आए हुए हैं, लेकिन बीजेपी के जो तमाम जो मंत्री हैं दलित समाज के, इवन अर्जुन राम मेघवाल हैं वो बड़े लीडर हैं, बड़ा मंत्रालय उन्होंने देखा है, लेकिन उसके बाद में भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। इस पर क्या करना चाहिए, ये अवसर था कि एक ये दिखाने का, ये मैसेज देने का कि कैबिनेट के अंदर दलित मंत्रियों को, ST के मंत्रियों को स्पेस दिया जाता, लेकिन इसमें क्यों ऐसा रहा कि वो पहली पंक्ति में जगह नहीं बना पाए। देखिए जिनके पास जो प्रभार था पिछले कार्यकाल में उनको उसमें जो प्रभार है उसी में रिपीट इसलिए किया है कि उनके जो बचे हुए काम है उनके ध्यान में रहे। नहीं, कैबिनेट की बात है, कैबिनेट में एससी वर्ग या इस तरह, कैबिनेट की बात है, कैबिनेट में जगह नहीं मिली। जो टॉप नहीं जो टॉप जो चार मुख्य जो विभाग है वो उन्हीं को तो रिपीट किया है भाई, पहले भी कानून मंत्री थे अर्जुन राम जी, अभी भी कानून मंत्री हैं। इसमें कहीं दलित या ओबीसी या इस तरह का कोई चेहरा अब की बार नहीं देखा गया, इसमें ये देखा गया कि पिछली बार उस मामले को संभाल रहा था और उसको सारी जानकारी है मेरी फाइल कहाँ पे है, तो उसको तुरंत निकलवाने में आसानी रहेगी। किसी दूसरे को यदि उसमें लगाते तो उसको समझने में समय लग जाता। तेज गति से 100 दिन का जो 125 दिन का जो एजेंडा बनाया है मोदी जी ने उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए ऐसा किया है कि सब जो विभाग जिसको दिया हुआ था उसी को दिया है, कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इसमें कोई दलित या ओबीसी इस तरह का आपकी बार कोई कैलकुलेशन नहीं बिठाया, केवल ये बिठाया कि पिछली बार कौन काम कर रहा था उस काम को भी वो देखेगा। चलिए लोकतंत्र के जो का नया चेहरा देखने को मिलेगा इस बार सदन के बाहर, सदन के भीतर, हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष हमेशा आमने सामने रहे हैं, लेकिन इस बार विपक्ष मजबूत है और विपक्ष कह रहा है कि जनता की जन कल्याणकारी योजनाओं की बातों को हम सदन के भीतर उनकी आवाज़ उठाएंगे, जनता की आवाज़ उठाएंगे और जनता के हित में कुछ फैसले करवाएंगे, लेकिन मनमानी नहीं चलने देंगे। तो आशा है कि जो राजनीतिक शुचिता बनी रहे दोनों ही पक्षों के बीच में, सत्ता पक्ष या विपक्ष, और सदन के भीतर अब इस बार नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कौन जो शपथ लेता है ये भी देखना होगा, और डिप्टी स्पीकर का पद मिलता है या नहीं मिलता, तो एक नया माहौल देखने को मिलेगा। संभावना यही है, उम्मीद भी यही है कि जनता के लिए, जन आवाम के लिए ये लाभकारी साबित होगा। फिलहाल हमारे जो मेहमान हैं उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बीजेपी से हमारे साथ ओपी यादव जी जुड़े थे, कांग्रेस से मोहम्मद आरिफ साहब जुड़े थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।